जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों में जो है भिंडी एक प्रमुख सब्जी है। देश में इसकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है। कई क्षेत्रों में भिंडी की खेती किसान भाई करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम भिंडी की फसल से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियाँ आपसे साझा करते हैं, यानी कि आपसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, भिंडी की खेती पूरे देश में होती है, ये तो सभी को मालूम है। ज़्यादातर किसान भिंडी की खेती के बारे में जानकारी उनको होती है, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, अगर किसान भाई उसको ध्यान रखेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चुनना होता है कि इसकी उन्नतशील किस्मों का, क्योंकि अगर भिंडी की प्रजाति अच्छी होगी तो आप अच्छी खेती कर पाएंगे। मौसम की दृष्टि से भिंडी दो प्रकार की होती है, एक जायद की भिंडी और दूसरी खरीफ की भिंडी। जायद की भिंडी, इसका पौधा छोटा व शीघ्र फल देता है। खरीफ की भिंडी, इसका पौधा लंबा अपेक्षाकृत देर से फसल आता है। परंतु दोनों मौसमों के बीजों में कोई अंतर नहीं होता है। कुछ किस्मों को दोनों मौसमों में बोया जाता है। भिंडी की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख किस्में हम आपको बताते हैं। उन्नत किस्में हैं प्रभन क्रांति, पूसा सावनी, पंजाब पद्मिनी, पूजा A4, अर्का भय, अर्का अनामिका, पंजाब 7, पंजाब 13। इसके अलावा अन्य किस्में जो हैं वर्षा, उपहार, वैशाली, लाल हाइब्रिड, EMS, विजय, विशाल आदि। तो दोस्तों, इसके अलावा आपके क्षेत्र में भिंडी की और भी प्रजातियां कई किसान भाई लगाते हों, उसके आधार पर अपने एरिया के हिसाब से आप इसका चयन कर सकते हैं। भिंडी की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि की ज़रूरत होती है, वैसे तो सभी को मालूम है, लेकिन आमतौर पर भिंडी की सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। परंतु अधिक और सफल उत्पादन की दृष्टि से अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट, बलुई दोमट और मटियारी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और दोस्तों, भिंडी की फसल के लिए बीजों का उपचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजों का उपचार अच्छा करेंगे तो आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसके लिए बीज को पानी में 24 से 36 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है, तत्पश्चात छाया वाले स्थानों पर सूखने के लिए रख देते हैं। और बुआई के पूर्व बीज को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से फफूंदी नाशक से अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, फिर उसके बाद बुआई करनी चाहिए। दोस्तों, भिंडी का बुआई का सीजन क्या होता है? खरीफ के लिए मई से जून तक भिंडी की बुआई की जाती है। पहाड़ों पर जो है भिंडी की बुआई मार्च से मई तक की जाती है। दोस्तों, भिंडी की खेती में 8 टन गोबर की खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 22 किलोग्राम फास्फोरस तथा 22 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। गोबर खाद का प्रयोग खेत में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पूर्व देना चाहिए तथा नाइट्रोजन की आधी ओम, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ कर देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा में 2 बार देते हैं, प्रथम बुआई के 1 महीने बाद और दोबारा जो है 2 माह के बाद खड़ी फसल में दी जाती है। इसमें सिंचाई और निराई को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, खरीफ की फसल में पहली गुड़ाई वर्षा होने से पूर्व कर देने से अच्छी फसल होती है। ये भी देखा गया है कि पर्याप्त नमी ना होने पर फल कड़े हो जाते हैं और उनकी बाजार मूल्य जो है कम हो जाता है, यानी कि नमी खेतों में जरूरी है। साथ ही साथ उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भिंडी की फसल में 2-2.5 महीने बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तुड़ाई के बाद 3 से 5 दिन तक खाने योग्य रहते हैं, जबकि पूसा सावनी में एवज 7 दिन तक रहती है। भिंडी की उपज की जहां तक बात है तो भिंडी प्रति हेक्टेयर लगभग 115 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। किसान भाई, खरीफ की भिंडी की फसल खेत में उगाकर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।